अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। क्या बात कर रहे हैं? बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? बी कॉम कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। तीन तलाक, आप मुसलमान है नहीं ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं, G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार, कौन लिखा है, ये नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल यार। भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बोला तूने? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ नंद भक्तों पर। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन गारंटी है वीडियो में आपको मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसा नंद भक्त लाया हूँ जिन्हें व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है, और इनका ज्ञान देखने के बाद आप भी हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो आइए, बिना टाइम खराब करें वीडियो के मजे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर से याद कर रही है। बंकिम चचा चढ़ जीत नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, फिर थिरा हो। कौन पकड़ के लेके आया इसे? तो क्या विचार है आपका हर घर तिरंगा के बारे में? हर घर तिरंगा होना चाहिए सर, तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है, तिरंगा के लिए जो है हर कोई मरता है। बात तो सही है, इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना सबको मरना है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मोल है। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए हैं तो देश के लिए मरना चाहिए, लेकिन देश में रहे गद्दारी करे तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। अभी बदत है भाई, अभी बदत है मुसलमानों को। बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं, जो होना चाहिए भाई मिलजुल के। हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, प्यार मुहब्बत बड़ी चीज़ होती है। ये आप प्यार की बात कर रहे हैं, आप खुद क्वेश्चन। खुद सर, मैं भी खुद कह रही कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए, गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ गले से गले मिलाने वाली कर रहा हूँ सर। साले चप्पल बो मारूंगा। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में बहुत बढ़िया, पूरे देश में एक आध राज छोड़ के पूरे देश में बहुत ही अच्छा पोजिशन रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? महंगाई, सिलेंडर और ये सब का कोनो, अडानी, हिंडनबर्ग, ये सब झूठे। विपक्ष का सारा पुलिंडा है कि किसी तरह मोदी को मतलब बदनाम करके इसे हटाया जाए। महंगाई नहीं है, महंगाई तो सब चीज का महंगाई है। शराब बिक रहे हैं इतने महंगे, काहे खरीद के लोग पी रहे हैं? पेट्रोल 100 रुपये, 105 रुपये है, तो उसमें हालत खराब है लोगों की, महंगाई है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार जी, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? जय गुरुदेव, हम सबकी मदद करते हैं, हमारा फाइनेंस का, कंस्ट्रक्शन का, मल्टीपल बिजनेस। जय गुरुदेव, मथुरा वाले करवाली बेचती बताएं। देश तो बहुत ही सुंदर चल रहा है, जब से मोदी सरकार आई है सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। धर्म का वास हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, बस करण में सरकार के आने वाले समय में बिल्डरों को शायद सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट फंड दिलाने जा रही है कंट्रोल, और देश सुचारू रूप से चलने आ रहा है। भारत सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है, दुनिया में नाम हो ही रहा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम होने जा रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की पूछ रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा नाम मुकेश कुकरेजा है, इस समय हमारी उम्र 45 साल है।
हम 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। करंट में जो सरकार आई है, बच्चे बच्चे के नाम पे सरकार का नाम है। लगता है तुम गुण खा के ही मानोगे। ये 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? जी हाँ मालूम है। सबसे अच्छा देश काम देश को संगठित करना, जोड़ना, वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। 3 काम तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो रहा है, समाज के लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है सबसे बड़ा मुख्य काम। विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए। आप 3 काम बताइए, 3 योजनाएं या 3 उनके पॉलिसी, वो विश्व के का छोड़ दीजिए। नाम नहीं मालूम। 3 नाम, 3 काम नहीं मालूम। यही मालूम है कि देश के अंदर रोजगार देने की सिस्टम चल रहा है, सारा बड़ी मल्टीपल कंपनी ला रही है गवर्नमेंट। 3 काम नहीं मालूम हमें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसके ऊपर गवर्नमेंट और काम करे, जो काम करे। 3 तलाक नहीं? हाँ 3 तलाक भी मुद्दा है। तो आप और आप एक ही रास्ते पर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।